ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में और आज की एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो पूरे 2 हफ्ते बाद चैनल पे अपलोड हुई है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक नए सीरीज़ की स्टार्टिंग वीडियो है, जो कि है कल्चर पॉम वर्सेस टॉय पॉम। तो कल्चर पॉम और टॉय पॉम पे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पहले से भी बने हुए हैं, पर ये सीरीज़ जो है वो उनसे काफ़ी अलग है। इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो अगर आपने वो हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाके वो वीडियोस देखिए, और अगर ये वाली सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो हर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि आपको पता होगा कि कल्चर पॉम्स जो होते हैं वो स्मॉल टू मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं, और इनको आप छोटी जगहों में भी बहुत ही आराम से रख सकते हो। अगर आप किसी 1 BHK या फिर 2 BHK के घर में रह रहे हो तो कल्चर पॉम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। और वैसे भी कल्चर पॉम को वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग्स माना जाता है। तो जब भी घर में कोई आएगा तो ये डॉग्स अपनी लाउड बार्क से आपको अलर्ट करके बता देंगे कि घर में कोई आया है। बहुत से कल्चर पॉम्स और टॉय पॉम्स अपने घर के लिए, अपने टेरिटरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, और अगर कोई उसमें घुसने की कोशिश करे उनके होने के बाद भी तो वो उनको काट भी सकते हैं। कल्चर पॉम का वेट अराउंड 3 से लेकर 7 kg के बीच में होता है। ये वेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको डाइट कैसे दे रहे हो, आप उसको एक्सरसाइज किस तरह से करवा रहे हो, और बाकी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसका वेट कम होगा या ज़्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि इनका वेट बहुत ही कम होता है तो आप इनको लेकर कहीं पे भी जल्दी से ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक व्लॉगिंग चैनल खोले या फिर ट्रैवलिंग का चैनल खोलना चाहते हो, इसमें आपको आपके डॉग को इधर से उधर लेके जाना पड़ रहा है, तो आपके लिए एक कल्चर पॉम बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि इनका वेट बहुत ही कम होता है, इनकी डाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इसके कारण आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो अपने साथ में। कल्चर पॉम और सारे पोमेरेनियंस के बाल पूरे ईयरली झड़ते रहते हैं, पर मेनली इनके बाल बारिश की सीज़न में थोड़े ज़्यादा झड़ते हैं। कल्चर पॉम का डाइट प्लान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो हेयर्स को न्यूट्रिशंस चाहिए और जो उनके बॉडी को प्रोटीन्स और मिनरल्स चाहिए वो इनके खाने से ही इनको अच्छे से मिलेंगे, और इसके कारण ये होगा कि उनका जो कोट है और उनकी जो बॉडी है वो और सुंदर दिखेंगी। एवरेजली कल्चर पॉम का प्राइस 6,000 से लेके 15,000 तक होता है, और डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ से ले रहे हो और इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डॉग ले रहे हो तो ये आपको 15,000-20,000 में भी पड़ सकता है, पर अगर आप एक एवरेज क्वालिटी का या फिर लो क्वालिटी का डॉग लेना चाहते हो तो ये आपको 5,000-6,000 में भी मिल जाएगा। पर मेरे सजेशन से आपको किसी अच्छी क्वालिटी का ही डॉग लेना चाहिए, अराउंड 10,000 से लेके 13,000-15,000 तक इसकी प्राइस एवरेजली आ जाएंगी, और इसमें भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएंगी। कल्चर पॉम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है, और इनको घर में इधर उधर घूमना और बहुत ज़्यादा खेल कूद करना पसंद होता है। इनका अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक लो मेंटेनेंस डॉग भी आप इन्हें कह सकते हो, जिनका मेंटेनेंस अराउंड 1,500 से लेकर 2,000 रुपये के बीच में महीने का आ जाता है। पोमेरेनियन की ब्रीड स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इनका शॉर्ट और पॉइंटेड मजल होता है, इसके साथ साथ आपको इनका लॉन्ग फर और स्मॉल साइज देखने को मिल जाएंगी। तो ये था इस सीरीज़ का पहला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कुछ ना कुछ तो कमेंट करके ज़रूर जाइए।